سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا अल्लाम वरहत लबरक बसमीम रबालमीन वसलात वसलाम आला रसूल कर कर करीम वाल आलि वसाब अजमाइन वमन तब्यासान अला योम्दीन अम्माबाद मोहतरम भाइयों और बहनों अल्लाह तमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में फ़जीलत और फ़ोकियत अता फ़रमाई और अगर अल्लाह तल किसी कौम पर किसी उम्मत पर कोई फजीलत अता फ़रमाता है तो उसका कुछ बुनियादी सबब होता है और वो सिफात होती हैं जिनकी वजह से उनको फजीलत दी जाती है और जब तक कोई कौम या मिलत अल्लाह ताला की दी हुई उन सिफात का सही इस्तेमाल करे तो वो अल्लाह के इस आनर के मुस्तहिक भी होते हैं इस एज़ाज़ के हकदार होते हैं लेकिन अगर वो उनफा को छोड़ दें तो फिर अल्लाह तला की तरफ़ से उनको एजाज़ से महरूम कर दिया जाता है जैसे बनी इसराइल के बारे में कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात में जो ये अहम बात बताई गई कि उनको बहुत ज़्यादा फजीला तता फरमाई गई थी मगर जिन बुनियाद और जिन असूलों पर वो फजीलात दी गई थी उनको छोड़ कर उन्होंने ऐसी चीज़ों में उस शर्फ़ को तलाश करने की कोशिश की जिसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं था मसला समझ लीजिए कि वो फजीलत और शर्फ़ का मैार ख़ानदान को बना बैठे रंग और नस्ल को बना बैठे इलाके को बना बैठे जबकि इन चीज़ों से उनका कोई बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ नहीं था वो इसलिए कि आदमी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे पैदा नहीं होता आदमी अपनी मर्जी से जो कलर चाहे वो ले नहीं सकता बल्कि ये क़ुदरती बनावट है ये क़ुदरती पैदाइश है ये क़ुदरतीफा हैं इसमें इंसान का अपना क्या कमाल हो सकता है मगर इन चीजों में जब उन्होंने फजीलत तलाश की तो उनको अल्लाह ताला ने महरूम फरमा दिया क्योंकि जिन सिफात की वजह से वो फजीलत दी जाती है उनको छोड़कर वो गलत रास्ते पर चल पड़े अब फख्र करने लगे कि जन्नत में दाखिल वही होगा जो यहूदी वाले से पैदा हो तो ईसाइयों ने कहा हमने क्या कसूर किया है जन्नत तो फिर हमारा हक हाँ बनती है लिहाजा जन्नत में दाखिल होने के लिए ईसाई होना ज़रूरी है हालांकि दोनों अगर इस पर बहस करते कि वो कौन सी सिफात हैं जिनकी वजह से हमें फजीलत मिल सकती है तो वो ज़्यादा बेहतर शक्ल होती लेकिन उसके बजाय ऐसी चीज़ों में उन्होंने शर्फ तलाश किया जो कि कोई वजह नहीं है कोई गोरा हो या काला हो उसकी वजह से ना कोई मुकद्दस बनता है और ना कोई मनहूस बनता है यह अल्लाह के दिए हुए रंग हैं अल्लाह ताला जिसको चाहे जिस कबीले में जिस ख़ानदान में जिस इलाक़े में चाहे पैदा फरमा दे हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का लकब दिया है जैसे सूरे आले इमरान और उसकी मशहूर आयत 110 उसके अंदर आप देखिए कहा गया कन तुम खैर उम्मास के तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो तो और ये बेहतरीन हम क्यों हैं यही वो सबब है जिसको मालूम करना चाहिए ताकि उसको हम मेंटेन कर सकें उसको बरकरार रख सकें और कहीं ऐसा ना हो कि बनी इसराइल में जो बिगाड़ पैदा हुआ वही बिगाड़ हमारे अंदर भी पैदा हो जाए और ख़ैर उम्मत के टाइटल से हम महरूम कर दिए जाए हमें खैर उम्मत का टाइटल दिया गया और क्यों ये टाइटल दिया गया फरमाया गया त मरून बिल्माफ व दो ख़ास बातें हैं एक तो पर्सनल चीज़ है ईमान बिल्ला ईमान के बाद दो चीज़ें हमारे अमल से ताल्लुक़ रखती हैं वो क्या है? अल मारूफ उसको तुम आम करते हो उसका प्रचार करते हो और अल मुनकर, उससे तुम लोगों को रोकते हो उससे तुम लोगों को मना करते हो तो मारूफ क्या है जिसको हम फैलाने के ज़िम्मेदार बनाए गए हैं और मुनकर क्या है जिससे रोकना ये हमारी बुनियादी ड्यूटी है ताकि हम इस ड्यूटी पर अमल भी कर सकें मारूफ यानि दी गुड अल मारूफ अच्छी चीज़ें खैर की बातें भलाई की बातें और अल मुनकर इवल बुरी चीज़ें बिगाड़ की चीज़ें नापसंदीदा बातें तो मारूफ और मुनकर इसको जांचने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं जैसे एक आदमी चाहे वो किसी मजहब का हो किसी चीज़ के बारे में वो कह सकता है कि मेरे नुकते नज़र से यह चीज़ मारूफ है और मेरे नुकते नज़र से यह चीज़ मुनकर है और दूसरा आदमी किसी और के बारे में कह सकता है कि मेरी राय में फ़लाँ चीज़ मारूफ है और फ़लाँ चीज़ मुनकर है तो इस इख्लाफ तो का हल्के से तलाश करेंगे अब हम फैसला कैसे करेंगे कि मरूफ़ क्या है और मुनकर क्या है ताकि उस पर हम अमल भी कर सकें क्या मेरी अकल आपकी अकल फला और फला की अकल को मेयार बनाया गया है कि मेरी अक्ल जिस चीज़ को मारूफ कहे वही मारूफ बन जाए और मैं जिस चीज़ को मुनकर या इवल समझूं वही ईवल हो जाए नहीं ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ बल्कि यहां पर मारूफ वो है जिसको कुरान करीम में मारूफ कहा जाए जिसको रसूल अक्रम मारूफ क़रार दें और मुनकर वो होगा जिसको कुरान मजीद में मुनकर कहा जाए या रसूल अक्रम सला वसम उसको मुनकर करार दें तो मालूम ये हुआ कि पैमाना मेरी अकल या ओपीनियन नहीं है मरूफ और मुनकर को पहचानने का जो पैमाना क्राइटेरिया है वो कुरान और सुन्नत है कुरान और सुन्नत में जिस चीज़ को खैर के नाम से याद किया गया भलाई के नाम से याद किया गया वो मरूफ है उसको दूसरों तक पहुँचाने के हम मुकलफ़ और ज़िम्मेदार हैं और जिस चीज़ को मुनकर कहा गया जिस चीज़ को नुकसानदेह कहा गया बुरा कहा गया उससे रुकना हमारे लिए भी ज़रूरी है और दूसरों को भी उससे रोकने की हम हदमकान कोशिश करें यह है वो बुनियादी हमारी ज़िम्मेदारी जिसके लिए हमें बेहतरीन उम्मत का टाइटल दिया गया है कि हम मारूफ को लोगों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसका प्रचार करें और मुनकर को रोकने की पॉसिबल हद तक कोशिश करें ताकि बिगाड़ खराबी इसका ख़ातिमा हो सके एक आदमी घर का ज़िम्मेदार हो सकता है एक आदमी अपने पूरे ख़ानदान का बड़ा ज़िम्मेदार हो सकता है एक आदमी अपने महल्ले का ज़िम्मेदार हो सकता है एक आदमी अपने शहर का ज़िम्मेदार हो सकता है एक आदमी पूरे वतन मुल्क का ज़िम्मेदार हो सकता है तो ज़िम्मेदारियों का दायरा अलग अलग होगा लेकिन वो अपने अपने एरिए और दायरे के मुताबिक पूछे जाने वाले हैं कोई आदमी बरी नहीं हो सकता कम से कम मैं अपने घर की हद तक तो जिम्मेदार हूं। मेरी बीवी मेरे बच्चे उन तक खैर की बात पहुंचाना और वहां से मुनकर को दूर करना यह मेरी गोया के बुनियादी जिम्मेदारी होगी कुल्लू कुमर हर एक जिम्मेदार है और वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा और जो हुक्मरान हैं उनके बारे में भी जो अहम बात बताई गई कि हम जैसे दूसरों की तरफ देखते हैं इसमें तो हर एक के बारे में बताया गया और हुक्मरानों के बारे में भी सूरह हज आयत 41 उसमें कहा गया الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر कि अगर हम उन्हें जमीन पर हुकमरानी عطا करते हैं तो वो क्या करते हैं ये भी एक क्राइटेरिया है जानने और पहचानने का कि कौन मुसलमान हुक्मरान है जो वाकई इस्लाम को पसंद करता है जबानी दावों की हद तक तो बहुत से हैं जो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इस्लाम को पसंद करते हैं लेकिन यह कुरान का मेयार है कि वो मुसलमान हुक्मरान जिसको अल्लाह ताला ज़मीन की सल्तनत और उसकी हुक्मरानी उसकी जिम्मेदारी अता फरमाता है तो वो चंद बुनियादी काम करता है और वो क्या है नमाज का सिस्टम वो कायम करता है अकामसलात खुद नमाज पढ़ना ये काफ़ी नहीं है नमाज पढ़ लेना ये तो अच्छी बात है लेकिन आप हुक्मरान हैं आप जिम्मेदार हैं आपकी ज़िम्मेदारी का दायरा ये इनफ नहीं है कि आप खुद नमाजी बन जाए अगर कि ये अच्छी बात है मगर ये तो हर आदमी अपने घर में पढ़ सकता है लेकिन हुक्मरान होने के एतबार से जिम्मेदारी ये है कि नमाज का सिस्टम कायम करें रिवाज करें उसको आम प्रमोट करें उसको इस्टेब्लिशमेंट ताकि लोग आपके मातहत जो हैं वो भी आसानी के साथ नमाज पढ़ सकें और ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं एक है जैसे बहुत सारे मालदार रमजान का महीना आया अपने अपने हिसाब से वो जक़ात अदा कर देते हैं या सदक़ा दे देते हैं या जब भी उनको मौका मिला कुछ खैरात दे देते हैं क्या हुक्मरान भी इस तरह करे तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी नहीं उसका दायरे अमल मुख्तलिफ है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है वो ज़क़ात के निजाम को कायम करते हैं उसका सिस्टम प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि ज़क़ात कैसे वसूल की जाएगी और ज़क़ात कैसे खर्च की जाएगी ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके लोगों को और ज़क़ात का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो सके अगर इंडिविजुअल कोई जकवात अदा करेगा तो वो मकसद तो पूरा नहीं होगा इसी तरह से तीसरी जो अहम जिम्मेदारी इस मौजू से जिसका तल्लु है वो मारूफ को आम करते हैं अपने इलाके में और मुनकर से लोगों को रोकते हैं यानी मुस्लिम हुकूमत और मुस्लिम हुक्मरान की ये पहचान है कि मारूफ वहाँ हर जगह दिखाई देता है चाहे आप मार्केट में जाएं दुकानों में जाएं मोहल्ले में जाएं इलाके में जाएं और मुनकर से वो लोगों को मना करते हैं उसकी रोकथाम का प्रॉपर सिस्टम और इंतजाम करते हैं वरना यह अजीब बात है कि आज के बहुत सारे लोग मारूफ को रोकते हैं मुनकर को प्रमोट करते हैं बुराइयां करते चले जाएं उसके लिए आसानी है लाइसेंस भी मिल जाएगा एक्सेस भी मिल जाएगा करने के मौके भी दे दिए जाएंगे नेकी करने वालों के लिए रुकावटें बना दी जाती हैं तो आप बताइए कैसे मारूफ को फैला रहे हैं कैसे मुनकर को रोक रहे हैं या जो सिफात बताई गई क्या वो सिफात पर वो अमल कर रहे हैं तो मारूफ और मुनकर की इस बहस को आगे हम चलाते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए हम एक वक्फा लेते हैं देखते रहिए है प्रोग्राम वकफे के बाद हाजिर होते हैं वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हुक्मरानों के हवाले से हमने जैसे बताया कि वो नमाज कायम करते हैं जकवात का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसका निज़ाम कायम करते हैं मारूफ को आम करते हैं मुनकर से लोगों को रोकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हो रहा क्या है मुनकर को आम किया जा रहा है बुराइयों को फैलाया जा रहा है बुराई के प्रमोट करने वालों को ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं और मारूफ को रोका जा रहा है एक अच्छा चैनल आप चला कर देखें आपको खुद मालूम होगा कि आप लोग मशरक और मग़रब के अंदर मुख्तलिफ में इसका मुशाह कर सकते हैं आज कल आप कोई भी रिमोट कंट्रोल ले लें एक दो नहीं बल्कि बीसियों की तदाद में चैनल आते चले जाएंगे लेकिन उनमें से जिसको आप इस्लामी कह सकते हैं जो मारूफ को आम करता है जो मुनकर को रोकता है वो कितने चैनल हैं और वो लोग कितना दिन का काम कर सकते हैं उनके लिए कितनी रुकावटें बनती है जगह जगह पर बात बात में रुकावट उनकी पेश आती है तो ये जो मारूफ को रोका जाता है मुनकर को आम किया जा रहा है ये कोई सही तर्ज अमल नहीं है रसूल अक्रम मुनकर को रोकने के कुछ तरीक़े बताए हैं एक मशहूर हदीस है सही मुस्लिम की उसको हम जहन में रखें ताकि वो हमारी बात आसानी से समझ में आ सके कि मारूफ को तो हम आम करें जहाँ जहाँ जिसकी कोई जो कैपेसिटी है जो जो ताकत रखता है आप अपनी ताकत के मुताबिक अपने फील्ड में मारूफ को आम करते चले जाइए एक तालब इल्म है अपनी तलबा की महफिल में वो मारूफ को आम कर सकता है अगर चाहे तो एक टीचर है क्लासरूम में वो मारूफ को आम कर सकता है अगर वो दीन की बुनियादी बातों को समझ जाए माँ बाप हैं घर में मारूफ को आम कर सकते हैं मुनकर को वो रोक सकते हैं और इसी तरह से जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है कतई नजर इसके कि उसका दायरे अमल क्या है लेकिन वो मारूफ को आम कर सकता है एक डॉक्टर अपनी सर्जरी में बैठ कर हॉस्पिटल में बैठ कर ड्यूटी करते हुए अगर वो चाहे तो अपने पेशेंट के साथ खैर की बात कर सकता है शर को देखे तो उसको रोक सकता है इसके लिए सिर्फ मस्जिद या मेम्बर या मेहराब ये कोई बुनियादी बात नहीं है अगर हमने इसको इस तरह से किया तो मारूफ का काम रुक जाएगा जो जो आदमी को दायरे अमल में मौका मिले वहां पर खैर की बात कर देना चाहिए और वहां से शर को रोकने की कोशिश करनी चाहिए कैसे रोकेंगे शर को नबी सही मुस्लिम की हदीस है मन रहा इनको मुनकरन फल ही फल फ़बील लिस ही फिलमे थे फभी कल्बी ही वजा का अज़ाफुलईमान के रसूल का इर्शाद ग्रामी है कि मुनकर को तुम कैसे रोकोगे उसको रोकने के मुख्तलिफ़ लेवल्स बताए गए हैं कहीं पर फिजिकल ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने हाथ से उसको रोक दीजिए और कहीं पर आप फिज़िकली नहीं रोक सकते हाथ का इस्तेमाल ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जबान से काम लीजिए नसीहत के जरिए से मुनकर को रोकिए और कहीं पर यह भी मुमकिन नहीं है कि आप जबान के जरिए से मुनकर को रोकें तो आप कम से कम उस बुराई को दिल में बुरा समझें और ये ईमान की बिल्कुल कमजोर तरीन शक्ल है इससे नीचे और कोई ईमान नहीं है मुनकर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता मुनकर के साथ समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है अब कहां पर हम वो कौन सा लेवल इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल करेंगे इससे पहले एक बुनियादी शर्त को हम जहन में रखें और वो ये है कि मारूफ और मुनकर जैसे मैंने कहा पहले ये मालूम कीजिए कि आप जिसको मारूफ कहते हैं क्या वो कुरान और सुन्नत में भी उसको मारूफ कहा गया है जिसको आप मुनकर समझ बैठे हैं क्या कुरान सुनत में भी उसको मुनकर कहा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस गलत फहमी की वजह से कोई गलत काम को मैं सही समझ बैठा और कोई मुनकर का काम है गलत काम है और उसको मैं उस, सही समझ बैठा यानी मारूफ की जगह मुनकर मुनकर की जगह मारूफ पहले इल्म की जरूरत पड़ेगी आप किसी चीज को अपनी फहम के मुताबिक ये फतवा ना दे दें कि यह मुनकर है रुको बचो ये नहीं है पहले मालूम कीजिए वाकई वो मुनकर है या नहीं है फिर ये मालूम कीजिए किस लेवल का मुनकर है बस चीजें हराम हैं और बस चीजें मनियात से उनका ताल्लुक है उसका लेवल थोड़ा सा कम है जिसको हम लोग आम तौर पर जो है मुख्तलिफ अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं कि मुनकर को पहचानने के भी हमारे यहाँ उर्फ़ आम में मुख्तलिफ अल्फाज हैं जैसे हम कभी कह देते हैं मकर तो कोई चीज़ हराम है और कोई चीज़ उससे कम दर्द दर्जे की है तो उसको रोकने का अंदाज़ भी उसी तरह का होना चाहिए क्या ऐसा ना हो कि एक छोटी सी चीज़ है और आप उसको अपनी तौर पर समझ बैठे कि फर्ज और हराम के दर्जे में है तो उसकी वजह से भी बिगाड़ और फितना पैदा होगा तो उसके लिए इल्म की जरूरत है अहले इल्म से मालूम कीजिए ताकि हम सही राय और सही टारगेट को इस्तेमाल कर सकें उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है हमत आप कैसे रोकेंगे यही दर्जा थे हिकमत विजडम कि आपकी अप्रोच आपका तरीकेकार ऐसे होना चाहिए जिससे फितना दबे अगर आपने हिकमत इस्तेमाल ना की तो उसकी वजह से हो सकता है कि फितना और ज्यादा पैदा होगा और उसके साथ एक बात यह भी है कि सब्र भी हो कि आप कोई भी काम करें फौरी उसका रिजल्ट देखने की कोशिश ना करें बास चीजों का रिजल्ट बड़ी तखीर से आता है उसके लिए एक लंबे सब्र की जरूरत है इसी तरह से बुराई को रोकना यह कोई दिलगी की बात नहीं ये कोई आसान चीज नहीं है बुराई को रोकने के लिए बड़े गैर मामूली हौसले जुरत और सब्र की जरूरत है क्योंकि ये कोई फूलों की सेज नहीं है कि बुराई को रोकें लोग फूल बरसाएं बल्कि अगर आप बुराई को रोकेंगे तो शैतानी कुतें पूरी गुवतें के साथ आपका मुकाबला करेंगी आपको हर एतबार से तंग किया जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुकद्दस हस्ती पर लोगों ने पत्थर फेंके आपके जिस्म को खून से लहू लहान कर दिया आपको मक्का मुकरमा छोड़कर मदीने मुनवरा की हिजरत करनी पड़ी थी तो मुनकर को रोकना यह जान जोखम का काम है ये बहुत मुश्किल काम है इसके लिए गैर मामूली सब्रजम और हौसले की जरूरत पेश आएगी उसके बाद जैसे हमने कहा वो दर्जात का तयन कर लीजिए आप कि कहा आप हाथ से रोकेंगे कहां जबान से रोकेंगे कहां दिल से उसको बुरा समझेंगे अगर आप घर में कोई बुराई देखते हैं, मिसाल के तौर पर एक मोटी सी मिसाल है आप घर में बच्चों के साथ बैठे हुए हैं टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा है और उस पर कोई बुरा मंजर आता है जो गलत है मुनकर है तो आपका काम क्या है अब अपने बच्चों को वाजो नसीहत करेंगे पहले नहीं बल्कि आपका काम यह है कि पहले रिमोट कंट्रोल लें या तो टीवी को बंद कर दें या चैनल चेंज कर दें और अगर आप जब बाहर चले जाएं आप देखते हैं कि दुकान में भी वही टीवी का मंजर दिखाई दे रहा है वहां आपका का रिवर्स आडर में होना चाहिए वहां अब आप पहले जाकर रिमोट कंट्रोल से उस चैनल को नहीं बदलेंगे क्योंकि दुकान आपकी नहीं है वहां यह हरकत करेंगे तो फितना पैदा होगा तो वहां आप क्या करेंगे पहले अपनी जबान इस्तेमाल करेंगे दुकानदार को आप समझाइए कि भाई ये काम गलत है आप चैनल बदल दीजिए तो घर में और बाहर एक ही मंजर आप देख रहे हैं लेकिन रोकने के अंदाज हुए इसलिए घर में आपकी ताकत है घर में बच्चे आपके हैं घर में आपका चलता है दुकान में आपकी ताकत नहीं है वहां पर आप पहला लेवल इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा और जबान से जब आप इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी हमत होनी चाहिए आप जबान का इस्तेमाल देख समझ कर कहें इस तरह से नहीं कि आप बुराई को देखकर अपनी जबान को इतनी बुरी और इस्तेमाल करें कि उसकी वजह से फूल बरसने के बजाय आपकी जबान से कांटे निकलना शुरू हो तो उससे जो फायदा होना चाहिए वो फायदा भी नहीं हो सकता और अगर ये भी आप नहीं कर सकते दिल से बुरा समझ कर उस महफिल का बायकाट करें बुराई के साथ समझौता करना कॉम्प्रोमाइज करना इसकी कतई कोई इजाजत नहीं दी गई दीन के मसले में जहां अल्लाह ताला की हुदूद को कोई तोड़ रहा हो उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कम से कम आप दिल में उसको बुरा समझते हुए आगे चले जाइए और उसके बाद चंद अमली जो तजवीजें हैं जैसे सूर्य बकरा के अंदर आयत 44 फोर्ट में एक बड़ी अहम बात बताई गई देख कर बाज पहले उसको रोकते फिर उसके बाद में उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते खुद भी बुराई करने वालों के हम निवाला और हम प्याला बन जाते अब उनकी महफिलों में बैठे हुए हैं शराब कबाब सब कुछ चल रही है खुद पिए ना पिए लेकिन बुराई को बुरा नहीं समझते थे तो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन गए वो लोग और अगर यही चीज हमारे अंदर भी पैदा हो गई तो ये बहुत बुरी बात है वो आदमी जो अल्लाह ताला के हुदूद को तोड़ रहा है हराम नाजायज का इरतकब कर रहा है आप उसको समझाइए समझ जाए तो ठीक है ना समझे तो उसका बायकाट कीजिए आप उसके साथ शेयर ना कीजिए आप उसके साथ दोस्त ना बनिए समझाने की कोशिश जरूर कीजिए मगर वो ना समझे तो आप बाइकाट कीजिए अगर कोई हाफ लाइसेंस लाइसेंस फुल लेसंस की दुकान चला रहा है शराब के कारोबार कर रहा है गैम्बलिंग और लैटरी और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है आप शेयर ना कीजिए उसके साथ दोस्ती ना कीजिए उसके साथ बल्कि आप मुकम्मल उसको समझाइए और उसके साथ साथ आप उसको ये फील करवाइए कि आप उसकी इस हरकत को पसंद नहीं करते और उसके साथ आपके अंदर भी बुराइयों से बचने की पूरी पूरी कोशिश और जज्बा होना चाहिए वरना यह क्या बात हुई कि मैं लोगों को तो खैर की बात बता रहा हूँ और खुद खैर का काम नहीं करता लोगों को कहता हूँ लोगों से कहता हूँ कि आप धोखाबाजी ना करो और खुद धोखाबाजी किए जा रहे हैं और इसी तरह से मैं जानता हूँ कि घरों में बहुत सारे काम गैर इस्लामी गैर शरीय होते हैं किसी की गमी के मौके पर किसी की खुशी के मौके पर मरने जीने के मौके पर कितने काम हैं जो शरीयत के खिलाफ हैं मगर हम लोग समझौता कर लेते हैं और हम लोग बुराई को उसके साथ शेयर करते हैं ऐसी महफिलों का बाइकाट करना चाहिए ऐसे इजलास का बायकॉट करना चाहिए ताकि उनको भी महसूस हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करते तो सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि मारूफ को फैलाना और मुनकर को ख़त्म करना रोकना यह हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है इसीलिए हमको खैर उम्मत बनाया गया है अब हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करें कि खैर के काम को फैलाएं आम करें और घर से ये काम शुरू करें घर में वो तमाम चीजें जो मुनकर की हैं उससे खुद भी रुकें बच्चों को भी रोकें और जहाँ जहाँ इसका मौका हो सकता है उनको भी बुराइयों से हमत और सब्र के साथ रोकने की कोशिश करें अल्लाह ताला हमें खैर उम्मत होने का सही मानों में मुस्तहिक बनाए मरूफ मुनकर इसको समझने और इसके तकाजों पर पूरा उतरने की तोफी खत फरमाएसलामकुम वरम व ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله